आरोह एक वैसे तो संगीत का सुर जैसे आरोह और अवरोह है उस हिसाब से है कि आरोह मतलब ऊपर चढ़ता हुआ, ए रे ऑफ होप, मुख्य एक आशा की किरण। हमारे यहाँ पर जिस तरीके से आज की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उन वर्तमान परिस्थितियों में धीरे धीरे जो उम्र दराज लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मुश्किल ये है कि हम 60 साल में उन्हें रिटायर कर देते हैं। और मानते जो बाकी घर के लोग हैं, चूँकि बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, तो वहाँ पर बुज़ुर्गों को सारे लोग काम पे हैं और बुज़ुर्ग जो हैं वो घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अशांत हो जाते हैं और धीरे धीरे करके अकेलापन जो है उन्हें सालने लगता है और वो समय से पहले ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और कई बार तो वो नहीं भी रहते। ऐसी स्थितियों में एक 60 साल का व्यक्ति आज की तारीख में जहाँ पर सब स्वास्थ्य सेवाएँ चीज़ें सब कुछ ठीक है, वो रिटायर नहीं होते, वो ओल्ड नहीं होते, तो उन्हें एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जो ओल्ड एज होम से हटकर हो, जो उनके फ़न क्रिएशन या उनकी दैनिक प्रक्रिया में उनके उत्साह का वर्धन कर सकें, उस चीज़ को लेकर के, और ढलती उम्र में एक ऐसी जगह जहाँ शांति हो, कुछ गंगा का किनारा सा हो। तो हम लोगों ने जो चुनाव किया वो बिठूर का चुनाव किया, यहाँ आसपास आश्रम है, शांति है और उनके लिए ये एक फ़न सेंटर है जहाँ पर समस्त सुविधाओं के साथ साथ उनका रिक्रिएशन सेंटर भी है। यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें 150 लोग रह सकते हैं, जिनकी व्यवस्था है अभी, उसको अगर वो एक्सपेंड करेगा तो हमारे पास इतना है कि हम और बढ़ा लेंगे, एक्सपेंशन की व्यवस्था है या कोई और क्रिएट कर लेंगे। अन्य सिटी में भी हम लोग जा सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा लोग हमें दिखेंगे तो हम दूसरे सिटी में भी ये इस तरह की बात को वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, रेप्लीकेट करेंगे अन्य जगहों पर भी अगर यहाँ पर हमें प्रॉपरली सब चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अभी भी इस बात से डरते हैं कि ओल्ड एज होम में जाना, या जिसको ओल्ड एज होम कहा जाता है वहाँ जाना, मतलब एक सामाजिक बहिष्कृत वो व्यक्ति है, सामाजिक बहिष्कृत है, पारिवारिक से बहिष्कृत वो व्यक्ति है जिसको एक जगह ओल्ड एज होम में डाल दिया गया। तो ये ओल्ड एज होम नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सुबह 7 बजे 8 बजे के बीच में वो यहाँ आ सकते हैं, अपनी व्यवस्था से भी आ सकते हैं या हमारी व्यवस्था से भी आ सकते हैं, दिन भर रह करके वो अपने घर भी जा सकते हैं, जब उनके बच्चे घर पर लौट रहे होंगे उस समय वो अपने घर पर, ऐसी भी व्यवस्था है, और सारा दिन वो यहाँ पर इंजॉय करेंगे। कोई हफ्ते भर के लिए आना चाहे, कोई एक दिन के लिए आना चाहे, कोई 4 दिन के लिए आना चाहे, सब तरह की व्यवस्थाएँ, ये टेलर मेड है, कोई ऐसा वो नहीं है। और यहाँ पर किसी तरह की बंदिश नहीं है कि आपको मेडिटेशन सेंटर में जाना ही जाना है, आपको फलानी चीज़ करनी ही करनी है, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। हेल्प तो कोई भी आकर के हमारे साथ रह करके जो उसको लगता है कि ये काम में वो हेल्प कर सकता है वो आके करे, आके मदद के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं चलता और मदद लेने में हमें कोई संकोच नहीं। किसी भी तरह की हेल्प करना चाहता है वो हमको हेल्प कर सकता है, लेकिन कोई भी पेमेंट हम सिर्फ, अगर कोई कैश हमें हेल्प करेगा तो वो कैश हम नहीं लेंगे, वो हम अपने अकाउंट में लेंगे या चेक के माध्यम से लेंगे। आरओ की वेबसाइट पर जा करके वो अपने को वो कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, आरओ के फ़ोन नंबर पर वो फ़ोन, वहाँ पर जा करके फ़ोन नंबर मिल जाएगा उनको और उस पर फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ बिठूर में इस सेंटर पर आकर के इतनी बढ़िया और शांत जगह और कम से कम एक धार्मिक जगह है जो पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पर वो आकर के देख भी सकते हैं, 1-2 दिन 4 दिन यहाँ पे समय बिता करके रह करके ये देख सकते हैं कि ये जगह उनके लिए बेहतर है या नहीं है, ये सारी सुविधाएँ हैं।